चक्रवाती तूफान बीपर जो है गुजरात में लैंडफॉल कर चुका है और गुजरात से काफ़ी भयानक तस्वीरें इस तूफान के चलते आ रही है। लेकिन अगर बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र इसका असर तूफान का काफ़ी कम दिखाई दिया। महाराष्ट्र के कई सारे ज़िले ऐसे हैं जो समंदर किनारे बसे हुए हैं, तूफान के दौरान और तूफान के पहले इन समंदर किनारे इलाकों में और ज़िलों में काफ़ी रेड अलर्ट जारी किया गया था, लोगों को मुस्तैद रहने की हिदायत दी गई थी और समंदर भी काफ़ी उफान में था, समंदर में काफ़ी ऊंची लहरें उठ रही थी। लेकिन अब तूफान जो है महाराष्ट्र से गुजर चुका है तो समंदर भी काफ़ी शांत हो चुका है, लोगों को आप देख सकते हैं कि समंदर किनारे लुफ्ट उठाने के लिए पहुँचे हुए हैं, मॉर्निंग सुबह का समय है, मॉर्निंग वॉक के लिए पहुँचे हुए हैं, कुछ लोग समंदर के अंदर जाकर इस मौसम का लुफ्त भी उठा रहे हैं। हालाँकि हवाएँ अभी भी तेज़ बह रही है, करीब हवाई इस हवा की रफ्तार करीब 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। तूफान के दौरान करीब 50 किलोमीटर के आसपास के रफ्तार से हवाएं बह रही थी, लेकिन अब हवा की जो रफ्तार है वो भी धीमी हो रखी है। मौसम विभाग ने भी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों के लिए किसी भी प्रकार का अलर्ट आज के लिए जारी नहीं किया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मुंबई और उसके आसपास के इलाके में हल्की बूंदाबांदी होगी। हालांकि हवाएं भी 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, लेकिन किसी भी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालाँकि इस तूफान के चलते महाराष्ट्र और उसके मुंबई और उसके आसपास के इलाके में और जो तटीय इलाके हैं महाराष्ट्र के, उसमें कितना नुकसान पहुंचा हुआ है उसका असेसमेंट जरूर किया जा रहा है। तूफान का असर महाराष्ट्र में कम दिखाई दे रहा है और तूफान महाराष्ट्र से गुजर भी चुका है, लेकिन अभी भी जो प्रशासन है वो मुस्तैद है। अभी भी NDRF और SDRF की टीम और लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जो तैनात की गई थी उसे अभी भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, उसे निर्देश दिए गए हैं। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ अंकुश जायसवाल, News 24 पालघर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।